आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर एक और बेसिक से पार्टिकल को स्टडी करने वाले हैं, जो कि थोड़ा डिफरेंट पार्टिकल है, जिसका नाम है स्ट्रेंज पार्टिकल। कि स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होते हैं और स्ट्रेंजनेस क्या होती है, आज इसके एक बेसिक लेवल को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर मैं बात करूं कि पहले हमने बहुत सारे पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, पॉजिट्रॉन हो गए, म्यूऑन्स हो गए, न्यूट्रिनोस हो गए, एंटी न्यूट्रिनोस हो गए, हाइप्रॉन्स हो गए, केमेसॉन्स हो गए, पाइमेसॉन्स हो गए। तो दीज आर द डिफरेंट पार्टिकल्स जिसको हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया। अब कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो केवल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के कारण ही उनका डीके हो रहा था। मैंने क्या बोला कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी थे जो केवल स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के कारण ही उनका डीके हो रहा था। तो ऐसे ही पार्टिकल को हम नाम देते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल, क्योंकि जो इनका डीके हो रहा था वो केवल स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के कारण, या बोल सकते हो फोर्स के कारण, या फंडामेंटल फोर्स ही बोल सकते हो, इसी कारण इनका डीके हो रहा था। तो ऐसे पार्टिकल स्ट्रेंज पार्टिकल में आते हैं। जैसे लिखा गया है कि इन पार्टिकल फिजिक्स स्ट्रेंजनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स एक्सप्रेस अ क्वांटम नंबर, जो कि एक क्वांटम नंबर को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी एक स्पिन भी होगी, ठीक ना। अब फॉर डिस्क्राइबिंग किस लिए, तो डीके ऑफ पार्टिकल्स के लिए इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो स्ट्रेंजनेस क्या होती है कि स्ट्रेंजनेस अगर कोई पार्टिकल है तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का कारण वो डीके हो रहा है, तो वो इसकी स्ट्रेंजनेस है एक तरीके से, ठीक। अब अगर और मैं बात करूं कि प्रोडक्शन ऑफ जो स्ट्रेंज पार्टिकल होता है ऑलवेज अक्योर इन पेयर्स, तो स्ट्रेंज पार्टिकल के कुछ एग्जांपल्स भी आप यहां से समझ सकते हो, और जो इसका प्रोडक्शन होता है हमेशा पेयर में होता है, ये सिंगल आप नहीं पाओगे पार्टिकल्स। कि अगर जब भी प्रोडक्ट ये बनेंगे कोलाइड करके, इंट्रैक्शन करके अगर स्ट्रेंज पार्टिकल बन गए, तो ये हमेशा पेयर में होंगे। जैसे सब में आपको स्ट्रेंज पार्टिकल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पेयर्स में, जैसे कि आप बोल सकते हो कियोन्स में, कियोन्स के पॉजिटिव होता है और के जीरो होता है, जिसमें न्यूट्रल चार्ज होता है वो जीरो हम मान के चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाइप्रॉन्स की, तो हाइप्रॉन्स भी पेयर में ही होगा। और यहाँ पे फिर बात करूँ सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा नेगेटिव और सिग्मा न्यूट्रल, ये भी एक पेयर ही है, सिंगल में आप नहीं पाओगे, कहने का मतलब ये है हमारा। अब जैसे कैस्केड हो गया, तो कैस्केड भी जो है तो ये पेयर में ही है, ठीक ना, तो ये कभी सिंगल में नहीं पाओगे, तो स्ट्रेंज पार्टिकल वही है, ठीक। अब यहाँ पे गेलेमान और निशिजिमा दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रेंजनेस, मतलब जब कौन से इन पार्टिकल्स की स्ट्रेंजनेस, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस के बारे में बताया, उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है कि Q चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू में I3 होगा, I3 क्या है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन है, प्लस में B+S/2, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे स्ट्रेंजनेस है। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, इससे हम स्ट्रेंजनेस को निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो ये एक बेसिक था, इसके आगे जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, और उसमें हम थोड़े से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन भी देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हाल ही में, जैसे कि अब कंजर्वेशन, या तो कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंज पार्टिकल से, या फिर आपका जो ये स्ट्रेंजनेस निकालने के लिए आती है और कुछ, ठीक ना। तो ये सारा का सारा एक बेसिक लेवल था, आई होप ये थोड़ा सा आपको समझ में होगा, थोड़ा सा आपका कंफ्यूज दूर हुआ होगा। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज सपोर्ट द चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और जरूर एक बात तो जरूर कि प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक करें, एलिमेंट्री पार्टिकल का मैंने पूरा का पूरा सीरीज बना कर रखा है, आप एक लाइन से देखो एलिमेंट्री पार्टिकल, आपको बहुत मजा आएगा समझने में, ठीक ना, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट के साथ हमने बनाया है एक एक चीज, मतलब कि अब जो जैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन क्या होते हैं, सारे के सारे मैंने वन बाई वन डिस्कस करने की कोशिश की है। तो वो पूरा का पूरा सीरीज है, न्यूक्लियर फिजिक्स का भी, इलेक्ट्रो और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का भी है। तो और भी वीडियोस हैं उसमें, आप जाओ देखो, और कुछ डिफरेंट टाइप के वीडियोस भी हैं जिससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, नॉलेज फॉर ऑल में आप जब जाओगे। तो ये छोटा सा बेसिक लेवल था, अब इसके आगे के जो पार्ट होंगे उसमें हम थोड़ा सा एडवांस और थोड़ा सा कंपिटेटिव लाइव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।